नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फेड कंप्यूटर जिम के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट फिर एक आप नई टॉपिक लेके आए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कोर्सेज ADCA DCA ट्रिपल सी एंड BCC कोर्सेज से रिलेटेड। इसमें फर्स्ट टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल पे टॉपिक हम पढ़ाई जा रही है। जो सिलेबस अभी जो चल रहा है हमारा, इसका नाम है प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के कंपोनेंट है जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स के बारे में मैंने बताया था आपको। पहला SMPS क्या होता है, SMPS क्या समझा रहे, दूसरा मदरबोर्ड, तीसरा एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, चौथा डिस्प्ले कार्ड और पांचवा अलग प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे जिसका नाम है HDD, यानी जिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसको एक तरह से बोल सकते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क कंप्यूटर का एक ब्रेन माना जा सकता है जिसमें टोटल डाटाओं को, जो भी आप कंप्यूटर में चाहे सॉफ्टवेयर है चाहे हार्डवेयर डेटा, जो भी स्टोरेशन की जाती है, सब कहाँ पर स्टोर की जाती है? हार्ड डिस्क में। जैसे हमारा ब्रेन है, उसी तरीके से कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसे हम हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं, यानी हार्ड डिस्क ही होता है। तो हार्ड डिस्क, पहले हम जानेंगे कि हार्ड डिस्क क्या है। छोटा सा डिफिनेशन है, हार्ड डिस्क आर या फिक्स ड्राइव, यानी उसमें हार्ड डिस्क कह सकते हैं या फिक्स ड्राइव। फिक्स ड्राइव से क्योंकि वो परमानेंट कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर परमानेंट ब्रेन लगा होता है, हम उसको निकाल नहीं सकते, उसी से कंप्यूटर के अंदर परमानेंट क्या लगा होता है? हार्ड डिस्क लगा होता है। ठीक है, इसको फिक्स ड्राइव कह सकते हैं। इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डाटा स्टोरेज डिवाइसेस दैट इज यूज स्टोर टू स्टोर एंड रिट्राइव डिजिटल डाटा यूजिंग वन और मोर, ठीक है, रीडिंग फॉर रोटेट प्लास्टर एंड प्लास्टर कोटेड विद द मैकेनिकल मैकेनिकल, यानी इसमें हम जो भी डाटा, एक प्लास्टिक हेयर बना होता है, स्टील का हेयर होता है, जिसको जिसमें डाटा वन बाय वन रोटेट करके स्टोर करता है, जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी, ये कम से कम पहले 10 GB का आता था, उसके बाद 20 GB हो गया, 40 GB हो गया, 80 GB हो गया, 160 GB हो गया एंड 500 GB हो गया। आज के डेट में 1 TB या 360 TB तक ये आते हैं, जिसके हर लैपटॉप डेस्कटॉप में इस्तेमाल की जाती है। ये हार्ड डिस्क हमारे दो तरह के होते हैं। एक हार्ड डिस्क आपके सामने देखिए, ये जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये पुराने हार्ड डिस्क होते हैं जिसे हम हार्डवेयर लाइन में बोलते हैं साटा। यानी इसमें दो तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक पाटा एक साटा होता है। तो ये जो हार्ड डिस्क आपके सामने दिख रहा है, जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, इसका नाम है पाटा। यानी ये पट्टी के आकार का बना होता है, इसके जो केबल होते हैं जिसमें डाटा होता है, पट्टी का आकार लगा होता है। इसमें यहाँ पे देखिए, ये पूरा स्टील कवर होता है, ठीक है, और आगे यहाँ पे जो ये डाटा कनेक्टर है, इसका नाम है डाटा कनेक्टर। जो डाटा कनेक्टर होता है जिसमें से पिन लगे होते हैं, इसमें से 40 से 80 पिन लगे होते हैं जिसमें डेटा को कनेक्ट किया जाता है। बीच में ये जम्पर लगा होता है, राइट साइड ये पावर केबल होता है जो इसमें पावर को सप्लाई करता है। ये देखिए पावर केबल है, इसी पट्टे टाइप को जिसको ऐसे इसमें लगाया जाता है। लगाते समय थोड़ा सा सावधानी रहना है, हल्का से जबरदस्ती लगाएंगे तो डेटा कनेक्ट हो सकता है। ये ऐसे ये हार्ड डिस्क होता है जो ये पाटा केबल होता है। पहले के समय इस हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। ये हार्ड डिस्क खराब नहीं है, आज भी यूज हो सकता है, लेकिन आज के जो हमारे कंप्यूटर के जो प्रोसेसर जो बोर्ड होते हैं, अब ये सभी हार्ड डिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते। ये पाटा डिस्क होता है जो पहले इस्तेमाल की जाती थी। अब इनके अलावा सेम चीज आया है जिसका नाम है, सेम नाम है हार्ड डिस्क, ये भी है, लेकिन इसका नाम रखा गया साटा। साटा का मतलब हो गया इसकी क्षमता, जो मैक्सिमम पहले ये भी आपका सेम आता था 160 GB, अब ये 360 TB तक आती है, जिससे उससे ज्यादा भी और बढ़ सकती है, ठीक है, 360 TB तक इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। साटा का मतलब होता है कि इसमें जो पिन होते हैं, ठीक है, एक छोटा यूएसबी पॉइंट का पिन होता है, जैसे इसकी केबल देखा ना, ये पतले से केबल लगे होते हैं इसमें, पहले की केबल देखने कितने चौड़े लगा होता था, ये पतले से केबल लगे होते हैं, ये डाटा यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया जाता है, जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में लगा होता है, इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों हार्ड डिस्क में यहाँ देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दिखने में, और स्टोरेज में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसकी क्षमता ज्यादा, इसमें स्टोर करने की क्षमता ज्यादा है और इसकी कम थी। यानी जैसे जैसे हमारी नया टेक्नोलॉजी आ रही है, नए जनरेशन आ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे कंप्यूटर की क्षमता, स्पीड और स्टोरेज की क्षमता बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स, आज ये हम जान गए कि हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। दो होते हैं, साटा एंड पाटा। अगर वीडियो समझ में आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।